भाई नाश्ते भी आए तो पाकिस्तानियों के खाने वाली कौन सी चीज़ है? खाने वाली चीज़ रोटी पाकिस्तान के लिए रोटी 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 साढ़े ग्यारह बजे बंद हो जाते हैं यार। हमें तो रोटी चनाए खाना था। रोटी चनाए तो अभी नहीं है, चार बजे खुलेगा। चार बजे खुलेगा 21 भाई। ये क्या है? ये पुलाव है? बिरयानी है। कैसा होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है। हमारे खाने वाला है? हमारे खाने वाला सौ लोग खाना केश केश वो पाकिस्तानी खाना यही खाते हैं। बिरयानी ले लें वैसे देखने में तो ठीक लग रहा है। मलेशिया के अंदर पहला जुमा और जुमा पढ़ने के लिए हम लोग आए हैं एयरपोर्ट, क्योंकि हमारे एक दोस्त यहाँ से अभी उनका सी ऑफ भी करना था। ये फाइनली जी हम लोग एयरपोर्ट पे हैं और आमिर भाई बड़े प्यारे भाई जिन्होंने स्पेशली चिकन कढ़ाई बनाई थी, आपने खाई भी है, देखी है, खाई तो हमने देखी आपने, ये जा रहे हैं हम इनको सी ऑफ करने के लिए आए हैं। आमिर भाई खुश रहें हमेशा। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का तो नहीं है लेकिन 12:22 हो चुके हैं इस वक्त और हम लोग निकले हैं नाश्ता करने के लिए। ये मेदिन मॉल कोलाथिरंगानो में एक रेस्टोरेंट है और ये 24 घंटे ओपन रहता है, बड़ा अच्छा है। तो लेट्स सी, ये देखिए आइसक्रीम और इसके सामने ये रेस्टोरेंट काफ़ी जो नहीं बहुत अच्छा था। हैं हाँ नहीं नहीं लग भी रहा है यहाँ पे अच्छा कुछ मिल भी जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। बंगाली भाई है। अच्छा चीज़ है, वही लग रहे हैं कि साढ़े खाण वाली केड़ी है भाई। पाकिस्तानियों के खाने वाली कौन सी चीज़ है? रोटी पाकिस्तान के लिए रोटी 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 साढ़े ग्यारह बजे बंद हो जाते हैं यार। हमें तो रोटी चनाए खाना था। रोटी चनाए तो अभी नहीं है, चार बजे खुलेगा। चार बजे खुलेगा अभी देखें ना कुछ कुछ अवेलेबल है कि नहीं। रोटी नान है। रोटी नान, रोटी नान है। अच्छा और साथ क्या मिलेगा? खस्सी मिलेगा, बकरा मिलेगा और तंदूरी मिलेगा। बकरा इधर ही है, अवेलेबल है। अच्छा हाँ बकरा और दाल दोनों है। अच्छा ये बकरा है और ये क्या है? ये क्या है? मीठा। अच्छा ये मीठा है। ओके वो सुने एक बकरा कर दें और एक दाल कर दें, हम पहले टेस्ट करेंगे और चाहिए होगा तो और ले लेंगे। नान हाँ एक बकरा और एक दाल है, ठीक है। नान हाँ रोटी कर दें, छोटा होता बड़ा है दो कर दें, तीन दो तीन दो काफ़ी होंगे, तीन काफ़ी होंगे, दो मंगा ले, दो मंगाए फिर ले लेगा और तीन करेगा। इधर 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 खाएगा, तीन कर लें, तीन कर लें, ठीक है ना। तीन नान, ये काफ़ी कुछ है जी। ये मटन गोश्त अच्छा सा डालना है, थैंक यू। वाह 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 जबरदस्त, वेरी गुड, वाह जी वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। एक हमने मटन लिया है एक 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 वन बटर मटन वन और दाल। यस एंड दिस वन इज दाल रोटी रोटी नहीं नहीं आप अभी 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 ना 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 बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में ऐसे ना करें ना। जी जी शिजात भाई जबरदस्ती करके पानी की जरूरत तो नहीं है, मुझे तो नहीं है, ऐसे ही खाने का। 21 भाई ये क्या है? ये पुलाव है। बिरयानी है। कैसा होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है। हमारे खाने वाला है? हमारे खाने वाला सौ लोग खाना
किस किस वो मंगवाओ वो पाकिस्तानी सावा जी खाना है यही खाते हैं जी बिरयानी ले लें वैसे देखने में तो ठीक लग रहा है ठीक है बेटा बिरयानी नहीं लो क्या कहते हैं दिलीप भाई बेटा बिरयानी बिरयानी एक ना बिरयानी दे मिलू बना तो नहीं जा रहा तेरी हां मिलू बना ये मेरा प्रॉपर लंच ही होगा मेरा पास की इच्छा हमने एक दिन जो जॉय बैठे नहीं किसे आना आना की को सुरमान मेरे काम होते थे लाए जाने यार ये तो मेरे काम कर को बुदा है बुदा रेडा बिजली का बस एक बिरयानी हमारे लिए यहां ठीक है एक बिरयानी हां एक बिरयानी आपने हमारे लिए एक बिरयानी भी बना दी बिरयानी मलेशिया के अंदर पहला जुमा और जुमा पढ़ने के लिए हम लोग आए हैं एयरपोर्ट क्योंकि हमारे एक दोस्त यहाँ से अभी उनका सीएफ भी करना था और ये उसके साथ मुलहक्का एक मस्जिद है आर्मी के कंट्रोल में है और बड़ी खूबसूरत मस्जिद लग रही है जामिया मस्जिद अंदर जा के देखते हैं कैसे ये फाइनली जी हम लोग एयरपोर्ट पे हैं और आमिर भाई बड़े प्यारे भाई जिन्होंने स्पेशली चिकन कढ़ाई बनाई थी आपने खाई भी है देखी है खाई तो हमने देखी आपने ये जा रहे हैं हम इनको सीएफ करने के लिए आए हैं आमिर भाई खुश रहें हमेशा बहुत शुक्रिया शकील भाई शहजाद भाई अल्लाह आप लोगों को जजा दे आपकी काइंडनेस का आपकी स्वीटनेस का और आपकी सपोर्ट का हॉस्पिटैलिटी का जितने अल्फाज मैं अदा करूँ उतने कम तो बहुत शुक्रिया बहुत और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात रहेगी ठीक है जी अल्लाह की धरती बहुत छोटी है मुलाकात रहेगी ठीक है अस्सलाम वालेकुम चलो